हाँ मेरे सज्जनों, आप लोगों के सामने मेरी कहानी पेश हुई मारू का गौना। पहले साज फिर आवाज। ऑडियो ए मोहम्मदी खीरी से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है मारू का गौना। आज कैसे नाका बंजारा देश पिंगल में जेलियों में पड़ा है, और इधर मारू रिहाई करती है, और इधर मारू कैसे चिट्ठी देश नरवर को लिखती है। जिस समय नरवर का नाम लिया उसी समय निकाला गया नाका बंजारा, और इधर मारू आज कैसे पत्र अपने पति महाराज को लिखती है। इधर मारू की बात सुनिए कैसे पत्र लिखती है। Oh,
देश नगर में जाकर के अपने भाई ढोला कुमार से कि हमें जेली में डरा दिया है, जब किसी दिन नहीं किसी दिन हमारा भाई ढोला कुमार तुम्हारा गाना लेकर यहाँ से सिंगल से नगर को जाएगा, तो प्यार मोहब्बत में फंसकर अपना दिल मेरा भाई को दोगी और मेरे भाई का दिल अपने दिल में रखोगी? तो एक बात सुन लीजिए, ऐसा लो हमको भी बता सकती हो कि मैं कह रहा था उसने मेरे साथ में झूला झूला था? आप पागल हो गए? अपनी चोरी अपने आप इंसान कोई नहीं बता सकता, तुम कसम का तुम्हारा विश्वास नहीं है मुझे, तो जब तक मैं कसम नहीं खाऊंगा तब तक विश्वास नहीं है, बिल्कुल जा नहीं सकते हैं। राजन से मोहलत मांग कर आया था 8 दिन की, आज हमें यहाँ 6 महीना जेलों में हो गया, आज काफी दिन हमें हो गए, आज कैसे चिट्ठी लेकर के अपने चाचा राजन के हाथों में सौंपेगा? Yeah.
सारा देश पिंगल से कहाँ आ गया नरवर का, जहाँ पर मेरे चाचा बादल की कचेरी लगी हुई है, आज गेट पर कैसे खड़ा चारों तरफ देख रहा है। अगर कोई यहाँ नौकर या मुलाजिम मिलेगा तो मैं उससे थोड़ी सी बात करूँगा। क्यों, छः केवल 8 दिन का मैं मोहलत लेकर गया था यहाँ से, आज मुझे 6 महीना जेल में हो गया और वैसे काफ़ी दिन व्यतीत हो गए थे। अगर नाराज होंगे तब भी नौकर से मालूम हो जाएगा, अगर नहीं नाराज है तो कोई बात नहीं है। वालेकुम सलाम, आप कहाँ से आए, कहाँ को जाओगे? अरे यहाँ कैसे आ चुके हो? ए मत पूछो, क्या भाई साहब हमें तुम भूल गए हो क्या? हम भाई पहचानते नहीं तुम्हें, तुम भूल गए हो क्या? हम तुम्हें हमने बताई तुम्हें पहचान सुनाई है। मेरा नाम नेका है। अरे तुम नेका बन जा रहे हो, आज तुम बड़े दिन बाद मालूम हुए, कहाँ को चले गए? देखो मैं यहाँ से जब से गया रोजगार करने के लिए काफी दूर निकल गया था। क्या चाचा जी कचेरी में है? नहीं, कचेरी में मौजूद है। क्या हमसे वो नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं, नाराज नहीं है। तो जाओ उनसे कह देना आज नेका बंजारा गेट पर खड़ा हुआ है, इजाजत और कचेरी के अंदर आ सकता है। ठीक है, प्रेम से बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ। जाइए। सुने राजा साहब, मुझे नमस्कार। नमस्कार कहिए मंत्री साहब, इस समय ड्यूटी आप क्या किया, कैसे आ चुके हो? इस समय मेरी फाटक पर ड्यूटी थी, इस समय यही नेका बंजारे आ चुके हैं। नेका आ गया? हाँ। वो क्या है? फाटक पे। फाटक पे है? हाँ। एक बार सुनो, इस समय उसे कहाँ से आवन हो रहे हैं? इस समय हमें यही बात सुना है, हमें बताओ। नहीं पता है, देश परदेश से आए रहे। चलो खैर कोई बात नहीं, सुनो मंत्री साहब, अरे जो नेका आ चुका है के साहिब दरबार में, हाँ उसकी प्रेम सेवा कीजिए, चाना तक रहे इसको। चलो जब तुम आ रहा हूँ। ठीक ठीक अरे एक नंद के मार्ग में धक्का पट्टी से कले का हार तोड़ लिया। सहेलिया कहने लगी, हे कन्हैया बंसी वाले श्याम सुंदर श्याम, आपने को मार्ग में घेर लिया, हार तोड़ दिया। अरे बच्चे एक मोती के मोड़ के नहीं हो क्या? कहा Thank you.
में नहीं आया था वो क्या है? फाटक पर रहे बुरा नहीं अब जाओ ला बुला के हमारे सामने। क्या बात है? मेरे साथ चलिए। महाराज कचहरी मौजूद है? मौजूद। अरे बुलाया है? बुलाया। अरे तो चलिए आइए। आ चुके हैं नेता बंजारी। चाचा जी मैंने कहा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अजय मर रहो फरो फरो मुबारक रहो। एक बात सुनो, कहिए इस समय तुम्हारी क्या चावल हो रहे हैं? चाचा जी जब से नर्वस से मैं चला गया था, रोजगार करते करते काफी दूर पहुंच गया। एक कस्बा था पिंगल, तो हमें 6 महीना वहाँ हो गया रोजगार करते। वहाँ पर मेरा धंधा बहुत अच्छा चला, कोई तकलीफ नहीं हुई और किसी ने हड़काया भी नहीं। हमारा रोजगार बहुत अच्छा दिन दोना पर छवाया होता रहा। एक दिन मेरी प्यारी नैकिन ने मुझसे कह दिया, महाराज काफी दिन हो गए घर के देश नरवर को चलिए, हमें नरवर की याद आ रही है। तो मैंने कहा अगर ऐसे चलते हैं तो यहाँ पर गंदी बात हो जाएगी। महाराज के यहाँ कचहरी में पहुंच गया, उनके हमने 2 बछड़ा पड़वा किए बढ़िया किए थे और 2 पड़वा बढ़िया किए थे। तो हमसे पूछा था कहाँ के रहने वाले, मैंने बता दिया नरवर का। तो उसी दिन से खाना पीना मेरा वहां से आता था डेली। तो एक दिन फिर दोबारा रानी ने मुझसे कह दिया करके नरवर को चलिए। महाराज की कचहरी में पहुंच गया, दुआ बंदगी की मैंने, महाराज हमें इजाजत दीजिए मैं अपने पतन नरवर को जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सबसे जाइए, लेकिन याद रखे बंजारे जब किसी दिन चारों तरफ हमारे यहाँ आना तो हमारे यहाँ अवश्य आ जाना। मैंने कहा मालिक अवश्य आऊंगा। दुआ बंदगी की, वहां से चल दिया। एक तीसरे गेट पर एक लड़की खड़ी थी, उसने हमसे पूछा कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा रहने वाला नरवर का हूँ। कहे तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शुभ नाम मेरा नैका है, लेकिन कौन का बंजारा हूँ। तो उसने कहा नरवर के हो? मैंने कहा जी साहब नरवर का हूँ। तो उसने एक पत्र दिया मुझे, कह दिया हमसे कि मेरे पति महाराज को पत्र दे देना। लड़की ने पत्र दिया है? उस लड़की ने दिया। एक सिंगल धाम में? एक सिंगल में। हमको दिखाइए। देखिए सुनो नैका, कहिए लड़की ने किसको बताया था? ये बात कही थी कि मेरे पति महाराज को दे देना, लेकिन मालिक आप हो यहाँ। नहीं क्या? कहिए आपने अच्छा काम किया है, समझ रहे हो? देश पिंगल धाम में जो तुम्हारे भाई भोला कुंवर है उनके पास ससुराल है। भाई की ससुराल पिंगल में? बिल्कुल। अरे चाचा जी हमें नहीं मालूम है, मैं अपने भाई भोला कुंवर को आपस बताऊंगा। हे भैया तुम्हारी ससुराल में पहुंच जाता रोजगार करने के लिए। ये बात समझ लो, आज तक भोला को नहीं मालूम हमारे क्या ससुराल क्या नहीं है, तुम उनको जाके बताओगे? हम गए भारत में ससुराल को, तो हमें तो मालूम हो गया है। भाभी ने पत्र दिया है वो ही बताएंगे चाचा जी को मैं देख आया हूँ। एक बात सुनो, कहिए ढोला किसी प्रकार जान जाए ससुराल गए थे नैका, वहां से पत्र लाए, लेकिन उसको बताना मत, कोई दुर्घटना वाली बात वहाँ है? हाँ बिल्कुल। अच्छा नैका सुनो, कहिए प्रेम से चाय नाश्ता पाइए आप, उसके बाद अपना देखिए रोजगार। देखो चाचा जी चाय नाश्ता पा चुका हूँ, मेरी बढ़िया भूखे मैं उन्हें चलाने जा रहा हूँ। जाओ चला प्रेम से। सलाम वालेकुम। हाँ प्रिय सज्जनों, ध्यान देने की बात है, जिस समय हमसे बकता था तो मैंने जहाँ मैंने क्या उसका उस काम किया, यहाँ पहुंच गए देश सिंगल धाम में रघुनंदन की नौकरी की। मैंने हमारी प्रिय ने घानी फटकी, हमने पाठ यहाँ की, वहां बड़े कष्ट उठाए। वहां रघुनंदन का एक नौकर था, वो राजा बुद्ध के साथ में सार पासे खेल रहा था। एक समय हमारे सामने वो आया, कहने लगा भाई उस समय हम भी वहां नौकर थे। वो सार पासे हारते जा रहा था, तो मैंने कहा हे सुनो नौकर हमारा नाम ले लीजिए, हमारे नाम से आप सार पासे जीतते रहोगे। हमारे नाम से पासे खेलने लगा, वो जीतने लगा। एक समय उसका गुस्सा आ गई, उसने कहा जय राजाओं की। राजा उसने कलाई पकड़ी, क्यों किसके नाम से पासे खेल रहा हो? उसने कहा आपके नौकर के। उसने कहा मैं खुद हूँ नौकर, साथ में सार पासे खेलेंगे। जिस समय सार पासे खेलेंगे राजा बुद्ध के साथ में, तो गर्भ के पासे खेले थे, हमारी प्रिय गर्भ से थी राजा बुद्ध की, गर्भ के पासे खेले तो हम जीत गए थे, राज वहां हार गए थे। फिर क्या
लड़की जवान हो गई, गौने को जिक्र नहीं। अब लड़की सोच रही है हमारी भरी जवानी यहाँ जीती जा रही है। पत्र में क्या लिख दिया? राणी साहब बुला बुलाए। ठीक है, जो क्या है, प्रेम से बैठ जा, मैं जा रहा हूँ। एक जाओ। हाँ सुनो रानी साहब, मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार। हाँ आपको कैसे आना हुआ? मेरे साथ चलिए। कहाँ के लिए? महाराज ने तुमको बुलाया। महाराज ने? और क्या, किस लिए? हमको काम धाम कुछ नहीं बताया कि इस साथ में बुला के लाओ। आपको काम नहीं बताया? हाँ चलिए आइए। अजय मर रहो महाराज, कहिए आपने किस लिए बुलाया है? हमने इसलिए बुलाया है। हाँ एक बात सुनो। कहिए। इस समय हम आप गए थे देश सिंगल धाम को, बाहर नौकरी की थी जी, और वहीं से पत्र आया हुआ है। एक बात सुनो, इस पत्र को लेके जाओ और प्रेम से महलों में गड़ा दीजिए। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा है। और एक बात सुनो। कह
कहिए। बोला तुम्हारे किसी बकर जान जाए उसको बताइए मत, हमारे पास गौने वाला पत्र आया था। ढोला कितना भी हट करे उससे कह देना हमारे पास बेटा कुछ नहीं, चकबंदी कागज केवल आए थे। ठीक है, मैं अवश्य नहीं बताऊंगी महाराज। हाँ जाइए। मैया लईके चिट्ठिया हमारा ली नहीं, से चले जाइए। कहाँ चलिए? देखिए कुमार के यहाँ चले जाइए और एक करो पारो लाइए। करो पारो? हाँ। क्या करी है? इससे तुम्हें मतलब क्या है? तो हम जाए? हाँ बहुत जल्दी से जाइए और जल्दी वापस आइए। चलो भाई प्रजापति। अरे इधर निकल के आओ। क्या मतलब? अरे भैया एक करोड़ पारो चाहिए। मिले लाओ। भैया जो करो जो पारो ये जानकी पोता है। जो जो का है करो जो कही क्या करो तुम्हारे और जो का है भाई भाई। अच्छा बैठा हम जा रहे हैं। आए सुनो रानी साहब। हाँ कहिए मुलाजिम। ये लीजिए। लाए हूँ। और क्या? ठीक है बैठिए। लईके चिट्ठिया अब रानी ने, रानी करती कौन से काम, चिट्ठिया चढ़ाई हम दे महिलन मा, सासे बेटा जा नहीं लाए, सात सुबेरी के धाली मैया चल, हम चिट्ठिया भी वो महिलन चढ़वाई, Thank you.
दोस्त आज महलों में चिट्ठी मैंने गिरा दी है। मुलाजिम आप यहाँ से चले जाइए, मेरे महाराज से कह देना वो चिट्ठी थी वो गल चुकी है। ठीक है, प्रेस से बढ़ जा, मैं जा रहा हूँ। सुनो महाराज, कहिए मंत्री साहब, आपको राजा ने बुलाया। बुलाया? हाँ, हमको और क्या, कोई काम नहीं बताया? काम नहीं बताया, कहीं साथ में बुला के लाओ। अबे साले पागल, सही बोल, नहीं बुलाओ साथ ही बुलाओ, कहीं संग में लाइयो। चलो मैं चल रहा हूँ, चल आप। आए सुनो रानी साहब, किस वास्ते बुलाया हमको? महाराज देखिए, चिट्ठी थी मैंने महलों में गिरा दी है, आज घर का बेटा जो है बिल्कुल नहीं जान सकता है। आपने अच्छा काम किया है। हाँ प्रिय सज्जनों, ध्यान देने की बात है, जिस समय हमारे पास गौने वाला पत्र आया था उस समय ढोलिया को चाह गए थे शिकार खेलने के वास्ते, जो लड़की दहेज में आई थी उसी के साथ में ढोलिया प्रेम करते, उसका नाम क्या था? रेवा। रेवा यही जानती थी ये हमारे पति हैं, और ढोला यही जानते थे ये हमारी प्रिय है। अब देखो रेवा ने क्या बात जानी, महलन ऐसी कोई वस्तु आई है खाने पीने वाली, जो पिताजी ने खाई और माताजी ने खाई, रही रही महलों छुपाई गई है। ढोला कुंवर आ रहे शिकार खेले महलों को, देखो रेवा रानी कैसे समझा रही ढोला कुंवर को। देखो रेवा रानी आ रही, कैसे रेवा बोल होते हैं, आओ Oh,
की सीन पर कौन आ रहे? एक शालिग्राम, एक भोगियापुर निवासी, देखिए धोरा की सीन कैसे अदा करते हैं। इधर ढोला कुमार कहा जंगल में शिकार खेल रहे थे, सारा दिन जंगल में हो गया। अपने दिल में सोच रहे हैं चलो शिकार नहीं मिली कोई बात नहीं है, और जिस समय देशर से चला था जो मेरी प्रिय रेवा थी उसने कहा था हे महाराज आप जंगल को शिकार खेलने जा रहे हो लेकिन शिकार खेल कर बहुत जल्दी से वापस आ जाना, अगर मैं उसके पास जाऊंगा खाली हाथ तो पता नहीं क्या बताएगी। चलो शिकार नहीं मिली कोई बात नहीं है, अभी बछेड़ा तैयार करता हूँ अपने बतन नवर को चला जाऊंगा। बताइए इतनी बार घर के लोग आते थे शिकार कभी नहीं मिलती थी, आज कारण क्या जो शिकार घर के लोगों को नहीं मिली है? अब बछेड़ा का बता भाई कोई उपाय तो बता सकते हो क्या होना चाहिए? बछेड़ा कुछ भी नहीं मालूम क्या था सुगुन तुम्हारा भाई बछेड़े कुछ भी नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं प्रेम से तैयार हो जाइए घर के बतन नवर को चलेंगे। हाँ चलिए चलो। घर बैठे भीतर मैया राजाती है, चार हाथी अस्तानी सब नया निहार, thank you।
चंदर तुम कान के मोटी जैसे झुरमुट हुई गई इसका कारण क्या हो सकता है? उदासी का कारण है महाराज। बोलिए। जो क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए और बगैर कहे मुझसे राह मिल जाए। वाह, एक पत्नी अपने पति सामने से बोलने से मजबूर हो रही है। हाँ, मजबूर हो रही महाराज। आखिर क्या मेरे पिताजी ने कह दिया है, क्या मेरी माता ने कहा है? आपके माँ पिता तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते है और ना ही तो मुझे चाहते है। क्या तुम बदतमीज हो गए हो क्या? क्या नहीं महाराज। क्यों प्रिय, संसार में दोस्तों जिसका अकेला पुत्र होता है वो तो घर का चिराग होता है। जी चाह जा सकता है, जी चाह बच सकता है। सब सच बताइए, आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? हाँ, मुझे सब मालूम हो चुका है महाराज। किसी चीज मार के अंदर आई जो माता ने खाई पिता ने खाई और बाकी कोने में करवा दी, हमसे कोई बात नहीं बुझी महाराज। क्या कह रही हो? ऐसी चीज मार के अंदर आई, माता ने खाई पिता ने खाई बाकी कोने में करवा दी, अंतर पर देखती खड़ी रही, हमसे कोई बात नहीं बुझी महाराज। तो सकती ऐसी बातें जो लड़के और बहू खाने काबिल कोई चीज नहीं होती है। अगर मेरे पिताजी ले आए होंगे, मेरी माताजी ने खा ली होगी, कोई बुराई नहीं की है। तो मेरा हक नहीं, मेरा है नहीं कुछ महाराज, इसके मतलब क्या हमसे पूछ नहीं सकते? समझता है तुम्हें, तुम्हारे शादी के पहले हम किलो में बर्फी ले आते हैं, तब तक कोने में बैठी खा ले, तब मेरे माँ पिता को पोती थी तीन। ये गलत बात महाराज। अब तुम्हें दफन न पोसा प्यार कर जानी इसीलिए जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ, इस बात को यकीन मानिए महाराज। अरे छोड़ा सहत कछब मेरी बड़ी हाथ तुम उठाई ले देते हैं। अरे महाराज यकीन मानिए, हमारे पतिवर्ता मेरुआ नहीं मिली। बहुत हमें एक मालूम है तुम इसको पतिवर्ता हो। देखिए, एक आप पतिवर्ता औरत हो, झूठी कसम कभी खा नहीं सकती हो, धर्म पे जियो धर्म पे मरो, उसने क्या बात है? अगर सच बात है तो कसम खा जाइए, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे माँ पिता अब बस मेरे साथ में फल करते हैं। Thank you.
चंद्राई जो मार पिता ने छिपाई है। अरे आज से परेशान हो, ठीक बात है, प्रेम से महल बैठ जाइए। अभी माता जी के पास जाता हूँ, अगर कोई चीज आए होगी तो मुझको अलग दे सकती है माँ मेरी, कभी मुझे इनकार नहीं कर सकती है। मुझे पूरा बेहद। अरे आप परेशान क्यों होती हो, अभी जाता हूँ, बैठो। जहाँ पर है करत महिला मेरे भैया जानो बनो है मैया को, जिसका अकेला पुत्र होता है उनके साथ में माता पिता अवश्य ही प्यार करते हैं, उसका कोई नहीं होता हम से। अरे प्यारे उनसे प्यारी कोई चीज नहीं। मेरी चलनिया मैया महारान हो सकती है जो आपने खाई पिताजी ने खाई खाना पाए तो बाकी कोने में गड़वा दी गई है। बेटा आपसे प्यारी कोई चीज नहीं, लेकिन
वो चकबंदी के कागज आए थे लेकिन मेरे पास नहीं है। वो आपके पिताजी से जाइए, उनसे पूछिए, उन्हीं के पास है। अच्छा, मेरे चाचा जी के पास है? हाँ। तो उसमें क्या बात है माता जी, प्रेम से मैंने बैठिए, अभी पिताजी के पास जाता हूँ, अगर कोई चीज होगी वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, नमस्कार मां। भैया जहाँ पर बंगला मेरे दादा को, भोला पहुंच गया।